नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि महिला थाना या जिसको CAW सेल भी कहते हैं, वहां से जब नोटिस आता है किसी को तो वो घबरा जाते हैं और इस घबराहट की वजह से वो कई बार वहां पे प्रेजेंट होना अवॉइड करते हैं या जाने से कतराते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये महिला थाना से जो नोटिस आता है, ये इसका नेचर क्या है, महिला थाना की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं या CAW सेल में जो प्रोसीडिंग्स होती है, इनका नेचर क्या है, यहाँ का प्रोसीजर क्या होता है, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ जाने या नहीं जाने से आपको क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो ये CAW सेल जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। CAW स्टैंड्स फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। इसको हम आम भाषा में महिला थाना भी कह देते हैं। तो ये महिला थाना जो होता है, यहाँ की जो प्रोसीडिंग्स होती है, ये रिकॉन्सिलेटरी इन नेचर होती है। मतलब ये बेसिकली सेटलमेंट कराने के नेचर में होती है। इसमें कोशिश करते हैं, एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होता है जो कि जो दो पार्टीज है, हस्बैंड की फैमिली या हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको बैठ के सेटल करें। इसमें कोई भी प्रोसीडिंग्स ऐसी नहीं होती जिसमें कि आप पे कुछ जोर जबरन हो या कोई फोर्सफुली आपकी प्रेजेंस को वहां पे करवाए। कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि महिला थाना से फोन आया और जबरदस्ती कर रहे थे या डरा रहे थे या धमका रहे थे। तो लीगली महिला थाना वाले ऐसे नहीं कर सकते, वो डरा धमका नहीं सकते हैं। और यहाँ पर जो भी चीज़ होती है रजामंदी से होती है दोनों पार्टीज की। इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट भी है जहाँ पर कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह डायरेक्ट किया है कि महिला थाना समन्स नहीं भेजेंगे, रिक्वेस्ट लेटर्स भेजेंगे हस्बैंड को या उसकी फैमिली को। सो इसका जो नेचर है महिला थाना की प्रोसीडिंग्स का, ये थोड़ा रिकॉन्सिलेटरी या जैसे कि हमने कहा सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स टाइप का होता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन का जो प्रक्रिया होता है पुलिस का, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी कोअर्सिव प्रोसीडिंग्स होती हैं, बट जो ये प्रोसीडिंग्स हैं सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स के नेचर में होती हैं। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि महिला थाना खुद से आपके अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर सकता। प्रोसीड करने के लिए वहाँ एक कंप्लेंट, एक रिटन कंप्लेंट आनी चाहिए वाइफ की तरफ से। सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स नहीं होती महिला थाना में। तो बेसिकली महिला थाना की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसका एम ये होता है कि दो पार्टीज का जो प्राइवेट डिस्प्यूट है उसमें स्टेट का मतलब पुलिस का इंटरफेरेंस मिनिमल रहे। क्योंकि एक बार जब FIR फाइल हो जाती है तो कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, फिर उसे रोकना मुश्किल होता है। तो महिला थाना FIR फाइल करने से पहले का प्रोसीजर है जहां पर कि वो दोनों पार्टीज को बुलाती हैं, बुला करके सेटलमेंट करवाने की कोशिश करती हैं। तो ये है महिला थाना का जो प्रोसीडिंग्स होता है उसका नेचर। तो अब जो हमने महिला थाना में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसका नेचर समझ लिया, तो अब ये समझते हैं वहां का एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होता है। तो महिला थाना की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है जब वाइफ वहां पर एक कंप्लेंट लेकर पहुंचती है, 498A की कंप्लेंट कि मेरे अगेंस्ट क्रूएल्टी हुई है बाय माई हस्बैंड और हिज फैमिली मेंबर्स। तो जब कंप्लेंट मिलती है महिला थाना में, जब रिसीव करते हैं तो फर्स्ट वो एग्जामिन करेंगे कंप्लेंट को। महिला थाना वाले एग्जामिन करके वो वाइफ को काउंसिल करेंगे। काउंसलिंग में वाइफ को वो ये बताएंगे कि उनके क्या राइट्स या लिमिटेशंस हैं और वो लीगली कितनी फर्म फुटिंग पर हैं और कितना चांसेस हैं कि वो सक्सीड करें और उनको अपने हस्बैंड के अगेंस्ट प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। तो ये काउंसलिंग के बाद अगर वाइफ फिर भी चाहती है कि वो उस कंप्लेंट को लेकर के प्रोसीड करें, तो फिर महिला थाना वाले राइटिंग में वो कंप्लेंट को लेते हैं और लेकर के उस कंप्लेंट को रेफर कर देते हैं अपने लीगल सेल को। अब लीगल सेल उनका एक इंटरनल सेल होता है, महिला थाना का या CAW सेल का एक इंटरनल सेल होता है लीगल सेल। अब ये लीगल सेल क्या करता है, वो भी उस कंप्लेंट को एग्जामिन करता है और अपनी रिकमेंडेशंस के साथ उसको फॉरवर्ड कर देता है DCP को। अब अक्सर आज तक ऐसा कोई केस मेरी नॉलेज में नहीं है जहां की लीगल सेल ने कंप्लेंट को वापस भेजा हो। लीगल सेल अक्सर उस कंप्लेंट को प्रोसीड कर ही देता है DCP के पास, DCP जो कि इंचार्ज होते हैं महिला थाना के या जो CAW सेल है उसके जो इंचार्ज होते हैं। अब DCP उस कंप्लेंट को दोबारा एग्जामिन करते हैं, लीगल सेल की रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करके वो एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं जो कि ये सारी प्रोसीडिंग्स को
ओवरसी करेंगे या देखेंगे इस प्रोसीडिंग्स को। अब ये जो इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, ये दोनों पार्टीज को नोटिस भेजते हैं टू बी प्रेजेंट ऑन अ गिवन डेट एट अ गिवन टाइम। अब जब नोटिस रिसीव होता है तब ये दिमाग में ख्याल आता है कि यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सबसे क्रूशल स्टेप है क्योंकि महिला थाना की प्रोसीडिंग्स है तो रिकाउंसिलेटरी, पर इसको अगर आप ठीक से प्रोसीड करें तो ये बहुत कम में या इनिशियल स्टेज में ही खत्म हो जाता है। तो दिस इज द राइट स्टेज फॉर यू टू गो एंड टेक एडवाइस फ्रॉम योर लीगल काउंसिल। अपने लॉयर को अप्रोच करें, उनको ये नोटिस दिखाएं और उनसे सलाह मशवरा लें कि आपको इसमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो नोटिस जब रिसीव हो, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जाएं थाने में, जाकर के अपना पक्ष रखें, अपना साइड रखें। तो आफ्टर रिसीविंग द नोटिस, जो भी टाइम और डेट दी है नोटिस में, उस डेट पर जाकर आप थाने को विजिट करें और थाने को विजिट करके आप सबसे पहले जो कंप्लेंट की कॉपी है वो मांगे। कई बार वो दे देते हैं और अगर वो नहीं दे तो आप RTI के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो अपना स्टेटमेंट है, जो आप थाने में स्टेटमेंट देंगे, रिटन स्टेटमेंट, उसमें आप ये चीज मेंशन करें कि आपने कंप्लेंट की कॉपी मांगी थी और आपको ये कंप्लेंट की कॉपी नहीं दी गई। तो फर्स्ट डेट अगर जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो समझते हैं कि इसमें कोई कॉन्सिलेशन पॉसिबल है, वो दोनों पार्टीज के पक्ष को सुनकर अगर उन्हें लगता है कि कॉन्सिलेशन पॉसिबल है, वो डेट दे देते हैं, नेक्स्ट डेट दे देते हैं ताकि इस कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाए। और अगर कॉन्सिलेशन ऑफिसर को लगता है कि मीडिएशन पॉसिबल नहीं है, एक रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो वो वाइफ को कहते हैं एक लिस्ट देने को, जिसमें कि सारे स्त्रीधन के आर्टिकल्स की वो एक लिस्ट बना करके कॉन्सिलेशन ऑफिसर को दें। तो फ्यूचर डेट पे वाइफ एक स्त्रीधन की लिस्ट लेकर आती हैं, लेकर आकर के वो लिस्ट हस्बैंड को दी जाती है और फिर नेक्स्ट डेट पर हस्बैंड जो भी स्त्रीधन के आर्टिकल्स हैं, अक्सर वो लिस्ट जो होती है जो वाइफ देती है वो इन्फ्लेटेड होती है। उसमें अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि कई आइटम्स उन्होंने खुद से जोड़ दिए होते हैं। तो हस्बैंड जो भी स्त्रीधन के आर्टिकल्स हैं जो जेन्युइनली वाइफ के हैं, इट्स एडवाइजेबल कि वो लेकर आए, लेकर आकर के इंक्वायरी ऑफिसर को दे दें ताकि वो आगे वाइफ को दे दे और इस चीज की रिकॉर्डिंग होती है, मतलब राइटिंग में रिकॉर्ड होता है कि सो एंड सो आर्टिकल्स वर हैंडेड ओवर। एंड उसके बाद जो आर्टिकल्स नहीं है या जो इन्फ्लेटेड आर्टिकल्स है लिस्ट में, उसका जो ओनस होता है वो इट फॉल्स ऑन द वाइफ टू प्रूफ। तो वाइफ को बिल्स या इन्वॉइसेस प्रोड्यूस करने होते हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं जो नहीं मिले या जो हस्बैंड कह रहा है कि इन्फ्लेटेड आर्टिकल्स हैं, वो वाइफ के ऊपर ओनर शिफ्ट हो जाता है टू प्रूफ कि ये आर्टिकल्स स्त्रीधन में थे। तो इसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर फिर कोशिश करते हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, और अगर चार पांच पांच छह डेट्स में रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल नहीं होता तो इंक्वायरी ऑफिसर इस मैटर को वापस से लीगल सेल को भेज देते हैं ये कह के कि रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल नहीं हुआ। अगर रिकॉन्सिलेशन हो जाता है तो मैटर वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, मैटर जो कंप्लेंट होती है वो क्लोज हो जाती है और इस पर कोई चार्जशीट वगैरह फ्यूचर में फाइल नहीं होती। बट अगर रिकॉन्सिलेशन नहीं होती, ये वापस से जाती है लीगल सेल के पास विद अ रिपोर्ट दैट द मीडिएशन हैज फेल्ड। और रिकॉन्सिलेशन का जो मतलब है, उसका मतलब ये नहीं कि दोनों पार्टीज एक साथ हो जाए। रिकॉन्सिलेशन का मतलब इट कुड बी ईदर वेज, या तो दोनों पार्टीज एक म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अग्री कर जाए, या फिर दोनों पार्टीज अग्री करें कि वो दोनों इकट्ठे रहेंगे, साथ रहेंगे। तो रिकॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स में ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि आफ्टर रिसीविंग स्त्रीधन आर्टिकल्स रिसीव करने के बाद, और कुछ थोड़ी बहुत डिमांड होती है मेंटेनेंस की और एलिमनी की, वो सारी डिमांड्स हस्बैंड के सामने वाइफ रखती हैं और वो अगर मिल जाती हैं तो पार्टीज को लगता है कि वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, तो दे पार्ट वेज। तो इट कुड बी ईदर वेज, रिकॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स कुड बी ईदर वेज। अगर रिकॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती हैं तो जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो कंप्लेंट को वापस भेज देते हैं लीगल सेल को। लीगल सेल कंप्लेंट को देखते हैं, देख करके अगर उन्हें लगता है कि मैटर शुड गो फॉरवर्ड तो वो उसमें रिकमेंडेशन देते हैं फॉर फाइलिंग ऑफ FIR। ये स्टेज है जब आपको एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और अगर आपने रिकॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स में, जो CAW सेल में प्रोसीडिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो मोर ऑफन देन नॉट कोर्ट इसमें एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है, अनलेस ऑफ कोर्स सिचुएशन इतनी ग्रेव हो या जो कंप्लेंट है और उसमें एलिगेशंस इतने इन द फेस ऑफ द फैक्ट्स हैं कि उसे देख करके कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसमें बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए, तो
तो कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करेगी, बट अदरवाइज मोर ऑफन देन नॉट अगर आपने महिला थाना में ठीक तरीके से प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया है, कोऑपरेट किया है, और स्त्री धन के आर्टिकल्स जो उसमें से जो लिस्ट है उसमें से कुछ आर्टिकल्स रिटर्न कर दिए हैं या सारे रिटर्न कर दिए हैं, तो कोर्ट एक सिंपथी वाली व्यू लेती है और एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है। और इसके एडवांटेजेस क्या है महिला थाना जाने के? डिसएडवांटेज तो कोई नहीं है महिला थाना जाने का, अगर आपको नोटिस आता है तो आपको जाना ही चाहिए। और एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला जो हमने अभी जस्ट बताया वो ये है कि आपको महिला थाना की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने से एंटिसिपेटरी बेल इजीली मिल जाती है अगर महिला थाना की प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती है, वहां रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पाता। सेकेंड एडवांटेज ये है कि सेक्शन 406 की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो आपके अगेंस्ट ड्रॉप हो जाती है। अगर आपने स्त्री धन रिटर्न कर दिया है वाइफ को, तो सेक्शन 406 की आईपीसी के अंडर जो धारा है उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो आपके अगेंस्ट ड्रॉप हो जाएंगी। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर रिकॉन्सिलेशन हो जाती है महिला थाना में तो आपको वो लंबी प्रक्रिया के थ्रू नहीं जाना होता, क्योंकि वंस एन एफआईआर इज फाइल्ड लॉ इज सेट इन मोशन। और फिर ऐसे काफी कानूनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा टू गेट दैट कंप्लेंट क्वाश्ड या डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करने के लिए, जिसमें कि काफी टाइम, काफी पैसा, काफी एफर्ट लग जाता है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि महिला थाना में आप अपियर करें, जब भी आपको नोटिस आए वहां जाकर के पेश हो, अपना पक्ष रखें, और डेफिनेटली एट ऑल स्टेजेस एक अच्छी लीगल एडवाइस लें, क्योंकि से अगर निकल सकते हैं उसी स्टेज पर तो निकल जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप महिला थाना में जाएं तो एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोसीडिंग्स में अड़चन डालने की या वहां पर एक तरीके से एक्टिविस्ट अप्रोच के साथ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वहां पर एक कोऑपरेटिव स्पिरिट के साथ जाएं, क्योंकि वहां जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो भी दोनों पार्टीज को सेटल कराने के लिए बैठे हैं। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करके बताएं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस के साथ जुड़े रहने के लिए, उनके अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई भी क्वेरीज हो, सुझाव हो, सजेशंस हो, उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसके साथ हम आपसे लेते हैं विदा। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।